Hey guys, what's up? Namaskar, kem chho. Adab, sat shri akal, vanakkam. Welcome back to our YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. मैं हूँ सचिन, आप सभी का अपना दोस्त, और साथ में मनीषा भी, और पीछे निशा भी आ गई. नहीं, तुम भी आ जाओ. अभी ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, तो एक थाली में खा रहे थे ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों कैसे एक थाली में खा रहे थे, और रंजना और ये क्या नाम है मनीषा, और इनका क्या नाम है भाई साहब हमारे प्रिंस, और कुकड़ी का तो खैर बात ही निराला है. तो यहाँ पे सभी लोग खाना पीना अपना खा रहे थे, और यहाँ पे जाके वीडियो शूट करके ले आया छोटू. तो कौन था, अनुष्का थी. सब लोग यहाँ पर अपना आराम से खा पी रहे थे, और मैं खाने का इंतज़ार कर रहा था कि भैया मेरी बारी कब आएगी. और यहाँ पे छुटकी अपना तैयार हो रही थी. छुटकी को तो खैर बाद में मेकअप वेकअप भी कर दी मनीषा, खूब सारा क्रीम क्रूम ये लगा करके, और सब लोग खा पी के अपना आराम कर रहे थे. पहले दोनों पहले दोनों एकदम सुशील सुशील बन के रहेंगी, उसके बाद से अपने अपने पति का क्लास लगाने लग जाएंगी. हम तो ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही है. एक नंबर के बदमाश ही है. हम दोनों देवरानी जेठानी. और अभी आज मेरे को खाना निशा खिलाई है, मेरे को बोली ये आपको नहीं पूछी है खाना, हम बोले यही तो पूछी है. अब पूछ रही है, खा लिए तो. हम बोले तो खाना खा के हाथ धोने जा रहे, तब पूछ रहे रोटी नहीं लेंगे. हम बोले कैसे खड़ा थे लेके, लड्डू बेटा, लड्डू हाँ बेटा, लड्डू हाँ बेटा. भैया क्या बोल रहे थे. चलो तो अभी गाइस आंटी जी को मनीषा कुछ बोल रही थी कि रोटी कैसा बनाती हैं. नहीं हम नहीं बोल रहे थे यार. कौन बोल रहा था. खा लिए रोटी यार, तो हम बोले हाँ. तो ये बोल रही है, पता नहीं जी जो क्या बोले कि पतला रोटी बनाने लगी सबके लिए. नहीं वो बोली कि आप मेरे हाथ का रोटी तो खाते नहीं है, आप तो अपने वाइफ का हाथ का खाते हैं ना, मतलब ऐसे बोल रही थी. हम बोले कि देखिए हम रोटी खा लेते हैं, लेकिन आप हाथी का कान बनाइएगा तो थोड़ी कोई खा लेंगे. तो जाके एकदम पतला पतला रोटी बना के लाई है. पहले मोटा मोटा बनाती थी, तो पतला पतला बना के फिर हलवा खाना है. अब गाजर का हलवा खाना है, वो हलवा बहुत महंगा है. देखिए देखिए पैसा आ रही है. इधर दुकान नहीं है गिफ्ट के लिए. तो गाइस गिफ्ट सोच रहे हैं नॉर्मल मंगवा दे, क्योंकि वो डेयरी पे है. अब जाना पड़ेगा मार्केट में, तो उसके पसंद का लेना पड़ेगा ना. तुम भी चलो, चलो तुम भी चलो. देखो मार्केट जाने का बहाना मिल गया इसको. अब जाके मम्मी से पूछेगी मम्मी मार्केट जाए. अभी छोटी बहू रूम में नहीं है, छोटी बहू बाहर है. ठुमक ठुमक जब तू चले तू पहाड़ी माटुमा. क्या हुआ निशा, कुछ नहीं. तो यहाँ पे आई है मनीषा कुछ भलाने फुसलाने के लिए आपको. अभी बोल नहीं रही है, अभी चेक कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं. अभी धीरे से बोलेगी. आग करे मम्मी. आंटी थी ना ऐसी थी का, नहीं ये बोल रहे थे कि गिफ्ट खरीदने मार्केट जाने के लिए. तो जा हम रोक रहे हैं थोड़े. अब चलिए चलिए गाड़ी से. अभी फिर आना पड़ेगा गाड़ी से शिवान मार्केट में. गाड़ी से वी आर कहाँ लगाइएगा गाड़ी, कुछ ऐसे लिए लाना है. समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को क्या करना है, कहाँ जाना है. इसीलिए नहीं खा रहा है लोग का कोई हलवा. बहुत सब लोग बहुत चलाक चलाक. क्या ले रही है. तो सब लोग मिल के यहाँ पे कुछ राय बात कर रहे हैं. चार्ज में लगाने के लिए हैं. हेलो क्या कर दिया. हाँ तो हलवा खा के तभी ना देगी. आ
आवाज बैठ गया है, ठीक से बैठ के खाओ। कुछ ना, आपको सर्दी हुआ? अभी ठीक नहीं हुआ? ये दवाइयाँ हमको दे दो, हम दवाइयाँ खा लें। हाँ नहीं ठीक है तो क्या हुआ, फिर भी खा लेंगे, एकदम जड़ से खत्म कर देंगे। हाँ तो वही दवाइयाँ हम खाए हैं, मेरा ठीक हो गया। मंगा के आप थोड़ी दिए हैं, प्रिंस बोल रहा था हम मंगाए। बाबू कौन मंगाया है? प्रिंस मंगवाया है, भेज के सीमा को, लेकिन हम लोग बोले मंगवा तो जल्दी से दवा, इसी को भेज रहे थे। मनीषा तब इस तरह मनीषा बोले, हम ही बोले थे मम्मी को कि दवाई मंगवा दीजिए। सब लोग, सब लोग क्रेडिट ले लीजिए, लोग दो गो दवाई आया है, अपने लिए नहीं मंगवा रही है, एक गो खा लीजिए, आधा आधा खा लीजिए उसी टेबलेट में। चलिए तेल लगाया है सरसों का, हम भी लगाए हैं, देखिए अभी तक, अभी तक आप लोग मेरा सिर देख सकते हैं, मेरा ये गिफ्ट अनबॉक्सिंग करना है आज, सारा गिफ्ट खोल दिया जाए। अब तो गाड़ी से नहीं, सिर वही इधर है उसका। लड्डू? हाँ बेटा। तो वैसे मनीषा हलवा नहीं खाती है, मीठा जनरली उसको पसंद है नहीं, लेकिन आज उसको एकदम तेजी में खाना है। अब तेजी में खाने का भी कारण ये है कि मुझे मार्केट जाना है। मैं बोल रहा हूँ कि पहले अपना काम वाम जो भी है उसको निपटा लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो मैं नहाया नहीं हूँ, मतलब कल परसों का तो नहाया था, कल नहीं नहाया, आज भी नहीं नहाया। और मेरे को परसों नहाते नहाते ठंडा लग गया, ठंडे पानी से नहाया था, और बाहर जाके ओस वगैरह, चूँकि ठंड यहाँ बढ़ गई थी अचानक से, तो मौसम परिवर्तन की वजह से बुखार वगैरह हो गया था। तो अभी भी दवाई लिया हूँ, लेकिन सर्दी जुखाम है, तो चलो मौसम ही है तो अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। तो अभी जाना है मार्केट, मार्केट जा करके मनीषा को लेना है स्पेशल गिफ्ट, जो कि ये अपनी देवरानी को देंगी। आजकल इन लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा चल रहा है, माता रानी करे ऐसे ही प्यार बना रहे भाई, देखो अपना अपना वो है। और यहाँ पे दोनों बहन लोग बात कर रहे हैं, कुछ कुछ पता नहीं क्या कर रही है, तो दोनों लोग अपना अपना बात कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। पहले मैं बोला कि चलो यार पैसे दे देंगे, किसको प्रिंस जी बोले हैं, क्या प्रिंस बोला है कि आईफोन ले रहे हो निशा को? हाँ, फिर पैसा आएगा तो ले लो, दो ये दिन बाद पहुंच जाएंगे तुम्हारे हसन पूरा लेने के लिए। तो अभी फिलहाल मार्केट भी जाना है, मार्केट जा करके वहाँ से सारी सामग्री जो गिफ्टिंग वगैरह है ना वो लेकर के आना। तो अभी मार्केट जाएंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में देख दिखाएंगे आपको कि क्या क्या मार्केट से हम लोगों ने शॉपिंग किया। चॉकलेट वॉकलेट होगा था, एक मेरा ब्लू कलर का रैपर में था, हमको लग रहा था, मतलब मेरे को लग रहा था मेरा फोटो होगा। क्या था? फाड़ दें। रुको, तो अभी एक गिफ्ट भी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ये वाला। रुको रुको, ठहरो रुको, चॉकलेट है, हमको मन कर रहा था। चॉकलेट नहीं है, रुको ना, मैं भी खुलवाते हैं क्या है। नहीं, इसमें कोई एक और था, फोटो फ्रेम थोड़ी खा लूंगी, खाएंगे क्या पता, सेलिब्रेशन भी हो सकता है। खुशी पटेल दी, खुशी पटेल जी गिफ्ट की हुई थी, आई थी तो ये गिफ्ट कार में था, बाकी सब गिफ्ट मिक्सअप हो गया है, जो रिसेप्शन में गिफ्ट मिला है। तो मनीषा पहला गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रही है, तो ये गिफ्ट अभी मैशअप नहीं हुआ इसलिए इसको खोल देते हैं। बड़ी चलाकी से गई थी मम्मी के पास, फोटो फ्रेम। हाँ, फोटो फ्रेम में अच्छा गिफ्ट कर लेते हैं। वाह फोटो फ्रेम, सही है फोटो फ्रेम है। नहीं यार फोटो फ्रेम नहीं है, अच्छा फोटो फ्रेम है, लव वाला। यस, इसको यहीं रूम में लगाएंगे। दो तरफ दो फोटो लग जाएगा। चॉकलेट है, खा जाओ, आऊं आऊं करके खाओ। और अच्छा लग रहा है ना, खा ये देखिए फोटो फ्रेम मिला है, गायब हो गया भी एक्स्ट्रा टॉक से कोलैबोरेशन के लिए आया था, प्रिंस के बना रहा वीडियो, प्रिंस के चैनल के लिए आया था, तो बात करता लिया हमको पकड़ा दिया, हम बात किए तो बात करना था कितने में क्लोज होगा डील, तो हम बात कर लिए, तो पहले नहीं माना, तो बोला था तुम भगा दी उसको, नहीं कहा तो हुआ कि चलो वो मान गया,
फोन किया दोबारा कि हाँ इतना होगा, तो हम बात कर रहे थे उससे, पूरा बात बात कर लिया था। वो प्रिंस का अब स्क्रिप्ट तो प्रिंस देगा, तो दिया फोन किया तो बोलता हेलो तू बोल रहा है, आप सुचिता के हस्बैंड बोल रहे हैं क्या? मैनेजर बना दी प्राइस के बारे में, हम करवा लिए तब दोबारा किया कि ठीक है इतने में हम लोग कर लेंगे। तब आप बोला है कि मैरिज प्रॉब्लम का उसका है, बोला कि ठीक है, तो बोला कि ठीक है आप मैरिज में बताइए क्या प्रॉब्लम। तो फोन किया तो ये बोलता हम बात कर लेते, तो बोलता है आप सुचिता के हस्बैंड है क्या? तो बोलते सुचिता के हस्बैंड नहीं, सुचिता की मैनेजर, यू नहीं बोलता रहा कि मेरी बहन है। कभी पूजा दीदी के ससुर जी, पूजा दीदी सोच रही थी जल्दी जल्दी से हम बना ले, तो यहाँ पे भी सब लोग बैठे हुए हैं, रंजना भी है, और हमारी छुटकी की इतनी प्यारी लग रही है जी, हमारी पुचकू 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 हेलो। यहाँ तो बाबू भी है, कहाँ पे जी? तभी चलते हैं नाश्ता वगैरह देखते हैं क्या है। थोड़ा बनी को साइड कर दीजिए ना, बना लेते हैं इधर रंजना, और बनी को साइड कर दीजिए 5 मिनट का। ये देखिए हम मामा ठाकुर, वाह मामा ठाकुर, वाह आज पूजा दीदी रेडी हो गई है ना? नहीं अब वैसे ही रेडी थे, अब सरप्राइज गिफ्ट कोई दे रहा वाला है। क्या गिफ्ट मिला है ना, मेरे व्लॉग में आपको दिखेगा। क्यों आए हैं पापा जी? हम बुलाए हैं पापा जी को। हाँ आप नहीं हैं? अरे बाप रे, तब तो मेरे को बहुत मन कर रहा है के इतना सोच सोच के देख रहे हैं। मम्मी को प्रणाम नहीं करते हैं बाबू? हाँ तब नमस्ते खाली, हाथ मिला के ऐसे सही रहता है। और देखिए सब कोई कितना भी बिजी है ना, छुटकी का ध्यान हमारे ब्लॉग में है ना छुटकी। भाई देखिए ना अभी अपने देख रहे हैं नया पे हुए हैं थल्ले गरीब बना। अभी सब लोग एक पास बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे, पार्टी वार्टी कैसे हुआ। और यहाँ पे निशा भी है, निशा से बाबू पूछ रहे थे कैसा लग रहा है। अभी इसका भी शादी वादी का बात चल रहा है। दादू उनके लिए गाना गा दो, तुमको मुबारक हो ये शादी और ये बर्बादी। बर्बादी पे हंस रही है, शादी पे नहीं हंस रही। एक मिनट बनाइयो ली हम तो इधर ना, तुम कहाँ बना रही है? तो अभी चलते नाश्ता वगैरह निकालते हैं। नया है लड्डू के दादा जी आए हैं, तो अभी देखते हैं किचन में काजू कतली, तो काजू कतली निकालने जा रहे हैं। पूजा जी अपने ससुर जी से मिलने जा रही है, और आज इनका लुक जो है ना सच में ऐसा है ऐसा मस्त। पूजा दीदी अभी देखते हैं क्या क्या कर रही है, इनका एक्टिविटी दिख रहा है। अभी चाय बन रहा है, पूजा दीदी यहाँ चाय बना रही है, और यहाँ ये भी बहुत सबर कर रही है ससुराल वाले। अरे अरे बिना टेस्ट कर दिया, टेस्ट कर रही है अभी, बस टेस्ट कर रही है ना प्रिया दी, कैसा है तुम? अभी खाने के लिए तो नहीं लिए, टेस्ट करने के लिए। अभी हलवा मम्मी बोल रही थी कि बहुत टेस्टी है, गई नहीं अभी प्रिया दी जाएंगे तो जाएंगे। तभी पूजा दी के ससुराल वाले आए हैं, तब तक रूम वगैरह जल्दी से सही कर देते हैं। क्या था ना अच्छा चला था, मिलियन बाबू कैसे बोल रहे हैं, मिलियन में व्यू किया था, मेरा आइडिया था सही में स्टोरी गाना होना के साथ बनने का, तो बहुत चलेगा 10-15 वो बन जाएगा आज रात भर में। क्या देख रही है जिन्नी? मामा जी को बनाया जाए पहले गाइस, आपको स्टोरी जो है बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में आ जाएगा। कैमरा में देखती है ब्लॉग कहाँ बन रहा है। हेलो बाबू, तो यहाँ पे अभी निशा और मम्मी जी वीडियो बनाने जा रहे हैं। लोग कमेंट आया था कुछ मम्मी, डीजे को कर दी मम्मी, और देख रही
अच्छा से रहोगी तभी कोई कुछ कहता है, लोग खराब रहो तुम्हें कुछ पाने के लिए किसी को मुंह कोई रोका है बस ऐसे कुछ कुछ आदमी बोल रहे हैं। चलिए आज करने पर हंसी मजाक हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है ऐसे थोड़ा। अब बस रहने दें, अब इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अब थोड़ा शादी हुआ है तो स्मार्ट बन के रहना ही पड़ेगा है ना। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। पहले आप लोग देखे ही होंगे।